गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, योर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 6 एक्सक्रेशन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन जो प्रोसीजर है वो, और रेस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब उत्तेजनाओं का जवाब देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स मल त्याग, मतलब जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देना, यह है इसका मतलब। मल त्याग जो गंदगी है ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उसको रिमूव कर देना, तो उसको कहते हैं बेटा एक्सक्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बेटा जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं कि वो हमारा भोजन लेती हैं, भोजन खाना जैसे एनिमल्स है तो ये क्या करते हैं, भोजन लेते हैं खाते हैं, और ह्यूमन बींग है ये भी भोजन खाता है। ठीक है, अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं बेटा, वो अब जो वो फूड खाते हैं लेते हैं उसका यूज करते हैं, एनर्जी ऑब्टेंड करते हैं उससे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रक्रिया के द्वारा। हम क्या करते हैं कि ये एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं भोजन से, जो हम खाना खाते हैं, एनिमल्स जो ग्रास वगैरह प्लांट्स वगैरह खाते हैं उससे क्या करते हैं, ये एनर्जी लेते हैं। ठीक है बेटा, अब जो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो क्या है कि एज ए वेस्ट मटेरियल, अब क्या है कि जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है जो, वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है एज ए वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जिसका कोई यूज़ ना हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा CO2 ये वेस्ट मटेरियल है। अब क्या है कि जितना भी यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सब खाना खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स है और इंसान है, वो गेहूँ वगैरह, राइस वगैरह, अपने डिफरेंट टाइप के ऑफ दालें वगैरह हैं खाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या है कि वो जो खाते हैं तो उसका वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाते, तो ए पार्ट ऑफ फूड टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अनयूज, तो इसका कुछ हिस्सा ही हम अपने एनर्जी मिलती है और बाकी उसको ऐसे अनयूज हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो क्या है, अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आल्सो बिकम ए वेस्ट मटेरियल, जो अनयूज पार्ट है भोजन का, फूड का, वो क्या है, क्या होता है कि बेटा वो एज ए वेस्ट मटेरियल बन जाता है बेटा हमारा। ठीक है बेटा, द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस सम वेस्ट मटेरियल देयर बॉडीज ड्यूरिंग द वेरियस लाइफ प्रोसेस, तो ये है बेटा। अब इसमें अब जो हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल जो रह जाता है, अनयूज रह जाता है, ये क्या है कि कई बार क्या है कि इंसान के या एनिमल्स के अंदर क्या करता है कि पॉइजन का रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब जहर बन जाता है, और इससे क्या है कि कई बार नुकसान हो जाता है ह्यूमन को या एनिमल वगैरह को। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि बेटा एक्सक्रेशन की, कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस लाइक जैसे CO2 है और जैसे अपने एनिमल्स में डंक वगैरह, गोबर वगैरह को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और इंसानी CO2 को रिलीज कर देता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जीवित सजीव वस्तु हैं या जीवित चीज़ हैं, थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी वेस्ट मटेरियल है जैसे गैस है, CO2 है, इसको क्या करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम एक्सक्रेशन। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। ठीक है बेटा, अब ऑल द लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट, जितनी भी हमारी सजीव वस्तु हैं, सजीव जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंक्लूड ह्यूमन है, तो ये क्या है, सारे हमारे एक्सक्रेट हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स गेट रीड ऑफ वेस्ट, गेट रीड का मतलब हटा देना, जितनी भी हमारी जीवित सजीव वस्तुएँ हैं, जीवित वस्तुएँ, ये क्या कहते हटा देती हैं वेस्ट को, जो हमारी अनयूज फूड है या अनयूज मटेरियल, उसको क्या करते हैं हटा देती हैं फ्रॉम इनसाइड देमसेल्फ, और अपने अंदर से इसको हटा देती हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा एक्सक्रेशन। अब क्या कि द इम्पोर्टेंट वेस्ट सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ एनिमल आर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड यूरिया, जो ये अनयूज जो सब्सटेंस बनता है, अनयूज जो सब्सटेंस बनता है इंसान के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और बेटा यूरिया है। ठीक है, द अनवांटेड वाटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ वेस्ट, जो इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो फालतू का पानी है, यूरिन है, यस, ठीक है, तो ये क्या है कि ये भी हमारा क्या है, वेस्ट है, वेस्ट ये हमारा, ठीक है, इसको वेस्ट में ही हम कंसिडर करते हैं।
द एनिमल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे आर ब्रीथ आउट यूज्ड एयर। को जो जो हमारे एनिमल होते हैं जब ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है, यूरिया को रिलीज करते हैं। अनवांटेड वाटर एंड अदर साल्ट इज फॉर्म ऑफ यूरिन। जो ज़्यादा पानी हो जाता है और साल्ट हो जाता है, ये इसको ये रिलीज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है बेटा। द एनिमल गिव आउट सॉलिड वेस्ट ऑफ देयर बॉडी इन फेसिस, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज काउ, ठीक है। जैसे गाय को देख लो तो वो रिमूव कर देती है वेस्ट वाटर को, या अनवांटेड वाटर है जो CO2 को रिलीज कर देती है, डंक वगैरह, गोबर वगैरह जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वेस्ट है हमारा, ठीक है, अनयूज है। अब बेटा क्या है कि इसमें सम इम्पोर्टेंट प्लांट वेस्ट एंड कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट है एज ए वेस्ट एंड मेथड बाय विच दे आर रिमूव आर गिवन बोलो, और कुछ मेथड हैं जो इनको ये रिमूव कर देते हैं। तो नंबर वन है बेटा कि द मेन वेस्ट प्रोडक्ट, तो द मेन वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हम जो मुख्य जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्रोड्यूस बाय प्लांट, वो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं आर कार्बन डाइऑक्साइड। आर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में क्या करते हैं कि जैसे हमारा यह प्लांट्स है डे में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में CO2 लेते हैं, और जो ये CO2 है इसका यूज एज अपना जो भोजन बनाने में पकाने में यूज करते हैं ये CO2, ये प्लांट्स होता है CO2 का। तो क्या होता है बेटे कि द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रीयूज, प्लांट इज मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण जो विधि होती है और CO2 का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने में। एट द नाइट द प्लांट गेट रिड द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो द स्टोमा और इन द लीव, जो लीव्स की जो स्टोमा होते हैं उसमें क्या करते हैं इसको थ्रो कर देते हैं इसको। तो नंबर वन था ये बेटा। अब नंबर टू क्या है कि सम प्लांट स्टोर सम ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या कुछ प्लांट क्या करते हैं कि ये स्टोर कर लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में जैसे क्या है कि जैसे लीव्स है फ्रूट है इनमें, इन द वे दे डू नॉट हार्म ऑफ द प्लांट ऑफ फूल। द प्लांट गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स पीलिंग्स। तो ये है इसका। तो थर्ड क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं कुछ प्लांट होते हैं इसको रिमूव कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को एज ए सेक्रेशन, ठीक है, एज ए सेक्रेशन के रूप में इसको ये क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। तो ये है बेटा इसके इम्पोर्टेंट मेथड है रिमूव करने के। फिर है बेटा हमारा रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है बेटा प्रजनन, प्रजनन जिसको बोलता है। अब इस प्रजनन में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बेटा है कि न्यू मेंबर को न्यू मेंबर बनाना, कोई नए न्यू मेंबर को बनाना ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब उसी स्पीसीज का नए मेंबर को बनाना, उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज। वह द प्रोसेस ऑफ बाय विच मतलब वह प्रक्रिया जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा वह प्रक्रिया जो नया मेंबर प्रोड्यूस करते हैं टू द सेम स्पीसी मतलब उसी प्रजाति के, ठीक है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं बेटा हम रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि बेटा कि जैसे अब ह्यूमन है कि नए बेबी को बच्चे को जन्म देना बर्थ करना बेटा वो क्या है कि अपना रिप्रोडक्शन है। डॉगी है नए जो पिल्ले जो होते हैं उनको बर्थ करना, मुर्गी है हैन होती है बच्चे को बर्थ करना, मतलब कुछ अपने एज एग मतलब बर्थ करते हैं, पहले अंडा बनता है फिर अंडे में बच्चा बढ़ता है फिर बच्चा निकलता है, और कुछ डायरेक्टली जैसे इंसान है काऊ है बेफलो है गोट है ये अपने डायरेक्टली इनमें अंडा नहीं बनता लेकिन डायरेक्टली ये बच्चा, और कुछ ऐसे कहते हैं पहले अंडा बनता है अंडा को रिलीज करते हैं फिर और उसमें अपना बच्चा बनता है, ठीक अंडे। तो ये है बेटा। अब इसमें क्या है कि बेटा प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, तो एनिमल्स प्लांट्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स आल जो प्लांट्स है और एनिमल है उनके डिफरेंट मेथड है रिप्रोडक्शन है। जैसे नंबर वन है मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स, नंबर वन मेथड है। दूसरा मेथड है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो ट्यूबर्स,
कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो सीड के द्वारा नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे हैं सब प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू द ट्यूबर, ट्यूबर कंद, कंद से रिप्रोड्यूस करते हैं, और सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, कि जैसे हमारा कोई पेड़ा है उसकी किसी ब्रांच को काटी, और ब्रांच को काटने के बाद उसको बो देते हैं, ग्रो कर देते हैं और नया प्लांट बन जाता है। तो ये 3 मेथड है बेटा अपने रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो ये बेटा हमारा रिप्रोडक्शन है कि उसी प्रजाति का नए नए बच्चे का नए मेंबर का बनाना, ये हमारा रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हैं कि एक तो सीड के द्वारा, मतलब जो हमारे बीज बोते हैं, बीज लगाते हैं कि नया प्लांट बन जाता है, या फिर हम ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स के अंदर जैसे पोटोटो वगैरह, ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है, और सीड वगैरह जैसे चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा, इसका सीड बीज बोते हैं तब हमारा न्यू प्लांट बन जाता है, ठीक है। और एज ए कटिंग, कटिंग में जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट की ब्रांच को काट लेते हैं, जैसे नींबू वो है, लेमन, लेमन की ब्रांच काट लो और उसको बो दो, ग्रो कर दो, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये 3 मेथड है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।